बकरीद के मौके पर हमनाबाद शहर से कुर्बानी करने में जो भी सरकार के नियम हैं, कानून हैं, उनको पालन करें। ईद के लिए सभी मुस्लिम भाई बंधुओं को बधाई देता हूँ। बकरीद के मौके पर हमनाबाद शहर से एएसपी मिस्टर शिवांशु राजपूत जी ने इंडियन न्यूज़ गुलबर्गा पीएनएन 24 न्यूज़ से बात करते हुए सभी मुस्लिम धर्म को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहे कि अच्छे से ईद मनाएं और परिवार में खुशियां बांटें। और कहे एएसपी मिस्टर राजपूत जी ने कि इस साल सरकार के कुछ गाइडलाइंस आए हैं, उसे फॉलो करें और सफाई का खास ख्याल रखें। और सबसे अहम बात ये बताए एएसपी मिस्टर राजपूत जी ने कि सोशल मीडिया पर ध्यान दे कि कोई ऐसी चीज़ वायरल ना हो जिससे हिंसा बढ़े। अगर कोई चीज़ आपके नज़र में आती है तो कहे कि आप कानून को हाथ में ना लें, कि पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इसी को ईद को लेकर गवर्नमेंट के क्या क्या गाइडलाइंस हैं और इसी को लेकर एएसपी मिस्टर शिवांशु राजपूत जी ने क्या क्या कहे। सभी कर ईद उल अजहा है सर, तो उसी के मौके पर क्या क्या गाइडलाइंस है सर और आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? जी, सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं ईद के लिए सभी मुस्लिम भाई बंधुओं को बधाई देता हूँ, वो अच्छे से उसको मनाएं और परिवार में खुशियाँ बांटें। और इसके लिए सरकार ने भी कुछ नियम निकाले हैं, जैसे कि कोविड गाइडलाइंस हैं अभी जो भी, वो फॉलो करें, उसको फॉलो करें। सब क्लीनलीनेस, स्वच्छता का ध्यान रखें, कुछ भी गंदगी वगैरह ना हो। और इसके अलावा सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे ध्यान दें, सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसी चीज़ वायरल ना हो जिससे कि कम्युनल हिंसा बढ़ सके। अगर ऐसी कोई गैरकानूनी चीज़ आपके ध्यान में आती है, इमीडिएटली आप पुलिस को बताएं, हम लोग इमीडिएटली रिस्पॉन्स देते हैं और पूरी कोशिश करेंगे आपकी सहायता करने में। इसके अलावा कुर्बानी करने में जो भी सरकार के नियम हैं, कानून हैं, उनको पालन करें। उसके लिए आप कानून पढ़ सकते हैं और कोई भी कन्फ्यूजन हो पुलिस से या किसी भी अथॉरिटी से कन्फर्म करके क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं। इसी के साथ आप अच्छे से सेलिब्रेट करिए, पुलिस हमारे आपके सहयोग के लिए है। और जहाँ पे भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं उस पर ध्यान रखिए कि कोई भी भाग भगदड़ ना हो, जिससे किसी को चोट पहुँचे और भी किसी अन्य समुदाय को किसी कोई हानि ना पहुँचे। और ऐसी कोई आपको कोई परेशानी आ रही है या कोई आपको परेशान कर रहा है, उसके लिए तुरंत हमें इन्फॉर्मेशन दें और आप कोई भी एक्शन खुद से ना लें। हमको पुलिस आपकी सुरक्षा और मदद के लिए हमेशा तत्पर है, उसके लिए हमको कभी भी कॉल कर सकते हैं। आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, 112 को कभी भी कॉल कर सकते हैं। जी सर, हमें बाहर से सुनने में आ रहा है कि सर कुर्बानी में बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है सर। जी, तो गवर्नमेंट के क्या क्या गाइडलाइंस है सर के बकरा काटना है या ऐसा पाड़ा वगैरह रहता है, तो उसके कुर्बानी में ऐसा क्या गाइडलाइंस है सर, क्या करना चाहिए? जी, इसके लिए सरकार का नियम है कर्नाटक प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल्स एक्ट 2020। उसमें कैटल की डेफिनेशन लिखी हुई है, कैटल मतलब किस, उसके अंदर क्या क्या कवर होता है, उसके सारे गाय, जो भी छोटा गाय का बच्चा, बड़ा बच्चा, पाड़ा, ये सब कैटल की डेफिनेशन में आता है। बफेलो एम ए भैंस होती है, वो 13 साल की उम्र से कम, वो सब इस एक्ट के अंदर आती है, कवर होती है। तो इसका मतलब आप कुर्बानी के लिए कि गाय छोटा उसका बच्चा पाड़ा या 13 साल से कम उम्र की भैंस, इसको कुर्बानी नहीं कर सकते कानून के हिसाब से। इसके अलावा आप जो भी करते हैं उसको नियम निम्नानुसार करें, और जो भी आपको और भी संदेह रहे, डाउट रहता है, वो आप क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं। और अच्छे से ईद मनाइए और कानून का पालन करिए। ओके सर, थैंक यू।